अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ सांबर वन पॉट सांबर। जो सांबर में खुले हम तरकारी डालते हैं, अक्सर बच्चे उसको बचा देते, तो इसमें क्या होता है, तरकारी भी इसमें मैश हो जाती, तो मालूम भी नहीं होती और बच्चे खा लेते और अच्छे हेल्थी रहती तरकारी। तो इसके लिए मैं लूँ 1 कप मसूर की दाल। मसूर की दाल की जगह आप तुवर की दाल भी ले सकते। तो मसूर की दाल ली और इसको धो ली 3-4 पानी से, 1 गिलास पानी डाली, 5-10 मिनट के लिए इसमें छोड़ दी और ये बिल्कुल आसान बन जाता है और खाने में माशाल्लाह जायकेदार रहता। तो इसके लिए 1 टीस्पून डाली मैं अदरक लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और इमली के 3 बोटा, ज़्यादा नहीं, चाहे तो इसको घुला के भी इसका रस डाल सकते, ये 3 बोटा काफ़ी है, ज़्यादा नहीं डालना इमली, हल्की सी खटास रहती है इसमें। अब तरकारियों में मैं ली 2 बड़े साइज के टमाटर, 1 छोटे साइज का है गाजर, 1 मीडियम साइज का है बैंगन। ये बैंगन भी बच्चे अक्सर खाने सताते, तो इसमें मैश हो जाते, बच्चे आसानी से खा ले सकते, मालूम ही नहीं था। और 1 छोटा पीस ले ली कद्दू का, इसको भी बारीक कट कर ली। और अगर आपके पास सोजनी की फली है तो जब सांभर खोलता ना जब डालना, तो उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता, मेरे पास नहीं था तो मैंने डाली, इसको स्किप कर दी। इसमें मैं नमक नहीं डाली, दाल गलने में ज़रा मुश्किल होती, नमक डाले तो बाद में गली बत डालेंगे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे, 3 से 4 सीटी होने देना, 3 से 4 सीटी होने के बाद 3-4 मिनट ठीमे पर छोड़ देना, जब उसके बाद चेक करेंगे। चलिए दाल अच्छे से गल गई। अब इसमें मैं नमक नहीं डाली थी, नमक 1 टीस्पून डाल रही हूँ, टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अब इसको अच्छे से घेट लेंगे, तरकारी दाला सब अच्छे से इसमें मैश आते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता, बच्चे बड़े आसानी से खा लेते, फिर भी बचता ही नहीं। सारी तरकारी अच्छी मैश हो गई। अब इसमें पानी डालना, पानी कंसिस्टेंसी को चेक करके डालना। सांभर में डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के है गुड़, थोड़ी सी 1 मुट्ठी भर है कोथमीर, 1 टीस्पून है सांभर मसाला, कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं RR का ली सांभर मसाला, और 1 छोटी जो प्याज आती है बेबी ओनियन, जो छोटे छोटे प्याज आ रहे थे, तो इसको खड़ा और मोटा मोटा कट कर लेना। अब सांभर में क्या है, अच्छे से उबाल आना शुरू किया। अब सारी चीज़ें डाल देंगे, सारी चीज़ें डालने के बाद एक अच्छा उबाल दे देंगे इसको, एक अच्छा सा उबाल आ गया इसमें। बघार के लिए मैं ले हूँ, बघार के लिए मैं लूँ 1 पैन ली। अब उसमें डालेंगे राई को अच्छे से ब्राउन होने देंगे, राई अच्छे से ब्राउन हो गई, फ्लेम को बंद कर दीजिए। करिया पत्ता डालेंगे, सूखी मिर्च, सांभर हमारा तैयार है। इसके साथ मैं बनाई इडली, इसके साथ इडलियाँ बनाई हुई, ये इसके इडली की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। चलिए 1 पॉट सांभर की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।